जब मैंने पार्टी का झंडा उतारना चाहा, मानो ऐसे लगा कि बहुत बड़ा भूंचाल आया। क्या महसूस हुआ उस समय? भावुक दिखे उस समय भी काफी, हमें भी वो तस्वीरें देखे, हम भी काफी भावुक हुए थे उस समय। भावुक दिखे उस समय भी काफी, हमें भी वो तस्वीरें देखे, हम भी काफी भावुक हुए थे उस समय। पुरानी बलैरो, एक बलैरो लेकर निकलते हैं। 59 साल मेरी आजू है, 35 वर्ष मैंने पार्टी की सेवा की है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ खुलेआम, कोई संकोच नहीं, नरेंद्र मोदी जी हमारे बंदरिये थे, हैं, रहेंगे। कि आज असली और नकली की लड़ाई है, सारी दुनिया जानती है असली कौन है नकली कौन है, लेकिन आज हमने अपने आप को जनता के लिए समर्पित किया है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हमें इस उधमपुर पूर्वी विधानसभा के लोगों का इतना प्यार। आज उधमपुर पूर्वी विधानसभा की जनता ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया है। मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं, बड़ा हर्ष महसूस करता हूं। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे शरारती लोग जिन्होंने पार्टी को भी हाईजैक करने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र जिसकी चर्चा सिर्फ उसी क्षेत्र में नहीं है, पूरे जम्मू में इस क्षेत्र की चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं उधमपुर ईस्ट की। आप सभी को बता दें कि आज हमारे साथ जो नेता मौजूद हैं, काफी नम आंखों के साथ इन्होंने चुनाव की शुरुआत की थी, लेकिन अब इनके चेहरे पे मुस्कान है। उसका कारण ये है कि जनता का प्यार काफी मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है पवन खजूरी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले पवन खजूरी जी, आपका धन्यवाद, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में आपने कीमती समय दिया, क्योंकि आपके जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं वो सुबह 7 बजे शुरू हो जाते हैं और रात को 1 बजे तक चलते रहते हैं। कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? देखिए, जो आज पार्टी के अंदर कुछ ऐसे शरारती लोग जिन्होंने पार्टी को भी हाईजैक करने का प्रयास किया है, जो विचारधारा के साथ हम जुड़े थे उस विचारधारा के ऊपर हमें कहीं ना कहीं तार तार होते दिख रही है, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोग, कुछ भ्रष्टाचारी लोग पार्टी के अंदर घुसे हैं और अपने मंसूबे में कामयाब होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 35 वर्ष हमने अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित किया था, पूर्णकालिक के रूप में हम काम करते, लेकिन आज जब मेरा मैंडेट काटा गया उसके बाद जनता के अंदर एक भारी रोष था। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि जिसको मैंडेट दिया गया उस व्यक्ति ने, उस मेरा छोटा भाई है, उसने लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का खुल के काम किया है। ऐसे व्यक्ति को मैंडेट देने के बजाय हमने पार्टी से निवेदन किया, आग्रह किया, हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप मुझे मैंडेट मत दीजिए, मैंने 35 वर्ष सेवा की है, मैं 20 साल और करूंगा, 30 साल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। जी, इस विधानसभा के अंदर 157 पोलिंग स्टेशन है। हमने कहा उस पोलिंग स्टेशनों में कई हमारे बुजुर्ग हैं, कई माताएं बहनें हैं, कई युवा से हैं जो बड़ी मेहनत से इस पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी मेहनत कर से काम कर रहे हैं। हमने कहा 157 पोलिंग स्टेशन में से किसी कार्यकर्ता को आप मैंडेट दे दीजिए, हम उसको MLA बनाकर पार्टी की झोली में डाल देंगे। लेकिन ऐसे जो स्वार्थी लोग पार्टी के अंदर हैं उनको वो बात पच नहीं पाई। उन्होंने कहा कि अगर स्वाभिमानी लोग, संघर्ष करने वाले लोग अगर फिर दोबारा जीत के आएंगे तो वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, तो पार्टी ने उस हमारी बात की अनदेखी की। तो जनता ने एक संकल्प लिया, जनता जनार्दन ने संकल्प लिया और खुले मन से हमें पूरा आशीर्वाद माताओं बहनों का, हमारे बुजुर्गों का, युवा साथियों का एक ऐसा जनसैलाब के रूप में आशीर्वाद मिल रहा है कि मानो ऐसे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा उत्साह, ऐसा आशीर्वाद देते हुए जनता जनार्दन को मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, लोगों का ये कहना है कि अगर हम पवन खजूरी जी के साथ नहीं चलते तो वो हमें मना कर रहे थे, कहीं ना कहीं जनता का समर्थक मिला, जनता का प्यार मिला, तो फिर जाके आपने इतना बड़ा देखा कदम उठाया। देखिए, आज मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, बड़ा हर्ष महसूस करता हूँ कि पवन खजूरिया कहीं जाता था मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी आई है। आज चाहे कठुआ जिला हो, चाहे सांबा जिला हो, चाहे रामबन जिला हो, चाहे रियासी जिला हो, चाहे हमारा अखनूर जिला हो, सुंदरबनी नशहरा हो, रजौरी हो, वहाँ से अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों नेता हमारे चुनाव प्रचार के लिए आना चाहते हैं, लेकिन हमने कैटेगरीली तौर पर, सीधे तौर पर, खुले मन से सबको कहा कि आपको यहाँ आना उचित नहीं है, हम पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। ठीक है, आज उधमपुर पूर्वी विधानसभा की जनता ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है जिस प्रकार से जो चुनाव प्रचार में हमारी माताएं 80-80 साल की माताएं घर घर के अंदर जाकर हमारा प्रचार कर रही हैं। कल हमने एक
ऐसा दृश्य देखा 94 साल के बुजुर्ग जगन्नाथ जी अपने कुछ बुजुर्गों के साथ लाठियां लेकर, जैसे हाथ में पकड़ी होती है, गिरते गिरते खेतों खेतों में जाकर एक एक घर में जाकर कह रहे हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है पवन खजूरिया को, मशीन सिलाई मशीन को आप वोट डाले। मैं समझता हूँ ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद, मुझे लगता है मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हमें इस उधमपुर पूर्वी विधानसभा के लोगों का इतना प्यार। युवाओं के लिए आप क्या करने जा रहे हैं जब पवन खजूरिया जीत के आएंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से साफ शब्दों में एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जितने भी विधायक बनते हैं, विधायक अपने लिए विधायक बनते हैं। हम पार्टी के लिए समर्पित थे, लेकिन आज हमने अपने आप को जनता के लिए समर्पित किया है। अब जो भी निर्णय होगा जनता हमारा निर्णय करेगी, लेकिन जनता के लिए हम, विधानसभा हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कहीं भी हो, जनता के हक के लिए हम पहले भी कई बार संघर्ष कर हमने लाठियां खाई हैं, जेलों में गए हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से आजाद उम्मीदवार के तौर पर हमें जनता विधायक बनाना चाहती है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जनता के चरणों में रहकर जनता के हक के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर पूर्वी विधानसभा का इतिहास बनेगा, यह मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। इतिहास तो बनने ही जा रहा है, लेकिन हम आपको एक बात आज इस इंटरव्यू के माध्यम से बता दें कि आपको जम्मू की जनता भी काफी प्यार कर रही है, और हालांकि आपका क्षेत्र जो है वो उधमपुर जिले के अंतर्गत है, लेकिन जम्मू जिले में आपकी इतनी चर्चा है, खासकर इस सीट की इतनी चर्चा है, सभी का यह कहना है कि पवन खजूरिया के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया गया है, इसमें क्या? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जम्मू, मैंने पहले कहा, जितने भी जिले हैं, जितने कार्यकर्ता जो समर्पित भाव से पार्टी के अंदर काम करने वाले हैं, वाकई में बड़े दुखी हैं, दुखी हृदय से वो हमें लगातार टेलीफोन कर रहे हैं, हमारे लिए कोई सेवा बताइए। मेरा ये कहना है कि आज असली और नकली की लड़ाई है, सारी दुनिया जानती है असली कौन है नकली कौन है। आज मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, हमारे युवा जिस तरह प्रकार से पूरे उत्साह के साथ चल रहे हैं, उनके आगे को टिक नहीं पाएगा। हमारी माताओं बहनों का जिस प्रकार से प्यार और जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है बड़ी से बड़ी चुनौती भी आ जाए, ये हमारी उधमपुर पूर्वी विधानसभा की जनता पूरा डटकर उसका मुकाबला करते हुए काफ़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। कल हम पहाड़ी क्षेत्र में थे, मैं बड़ा हैरान था, हमारे साथ सभी मजहब के लोग, हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे साथ पूरे शाना बशाना साथ में चलते चलते, और पहाड़ों पे समय कम था, लोगों के पास ज़्यादा जाना था, हम दौड़ते हुए पहाड़ों में चल रहे हैं, और 80 साल के, 70 साल के, 60 साल के हमारे साथ जो लोग थे, सारे हमारे बुजुर्ग हमारे साथ ऐसे दौड़ रहे थे मानो ये कहाँ से इनको इतनी स्फूर्ति आई है, लेकिन वो देखने लायक दृश्य था। मेरा आपके माध्यम से ये बताना है कि उधमपुर पूर्वी विधानसभा की जनता हमारे लिए वंदनीय है, और मैं पूरी जिंदगी इनका ऋणी रहूंगा। जिस दिन पवन खजूरिया जी अपने अपने घर से भाजपा का झंडा उतारा, काफी नम देखे गए, आप भावुक थे उस दिन, हालांकि जिस तरह से मैं आपका सोशल अकाउंट देख रहा हूं, आपके इंस्टाग्राम पे अभी भी सिर्फ एक ही फॉलोइंग है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज के इस इंटरव्यू में अगर हम जानने की कोशिश करें तो प्रिय नेता कौन से अभी भी आप? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं, नरेंद्र भाई मोदी देश की नहीं दुनिया की शान है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ खुलेआम, कोई संकोच नहीं, नरेंद्र मोदी जी हमारे वंदनीय थे, हैं, रहेंगे। वो हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपने जो फॉलोइंग की बात की, फॉलोअर्स की बात की, सारी चीज़ें, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, हम काम पे विश्वास करते हैं, संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये काफिला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। चाहे हम किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, मानो आज आपने देखा 7 बजे से हम निकले हैं, 7 बजे लोगों के घर के अंदर काम होता है, बिल्कुल सुबह सुबह, लेकिन किस तरीके से परिवार बाहर निकलकर हमारा स्वागत कर रहे हैं, वो हमारा स्वागत नहीं, पूरी जनता जनार्दन का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ जो साथी चल रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो रात को हम जब उनको बोलते हैं 2:30-3 बजे के, जाकर आप थोड़ा सा आराम करिए, वो कहते हैं आराम 1 तारीख के बाद करेंगे। पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस उधमपुर पूर्वी विधानसभा की जनता जनार्दन जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में जुटी है, मुझे लगता है देश के अंदर इतिहास बने। जिस दिन भाजपा ने ये टिकट अनाउंस की उधमपुर ईस्ट की, उस दिन आपको लगा था कि ऐसा होगा कुछ? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले कहा हमारा जीवन संघर्ष में बीता है, जब संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति होता है वो जनता के बीच में होता है, जनता का प्यार तभी आता है कि ये हमारे हक की लड़ाई लड़ता है। जिस प्रकार से जनता का अपार प्यार स्नेह हमें मिला है, उसी के साथ आपने एक बात कही कि जब हमने
पार्टी का ध्वज उतारा जी। जब किसी को पार्टी का मैंडेट नहीं मिलता है तो जो स्वार्थी लोग होते हैं वो पार्टी के झंडे को जला देते हैं जी, वो पार्टी के झंडे को चीर फाड़ कर देते हैं, पार्टी के झंडे को पांव तले रोंद देते हैं। लेकिन जिस माँ के पास हम 35 वर्ष उसके आंचल के साए में रहे हों, उस माँ को रोंदा नहीं जाता। मैंने सुबह 6 बजे प्रयास किया कि मैं पार्टी का ध्वज जो मेरे घर की छत पे लगा है मैं उसको उतारूं, गया लेकिन हिम्मत नहीं। 7 बजे सुबह फिर गया लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा, प्यार काफी था। पार्टी का ध्वज मेरे लिए माँ समान था, पार्टी मेरी माँ है। जिस प्रकार से 8 बजे मैंने अपनी बेटी को कहा मुझे थोड़ी सी हिम्मत दो, मैंने पार्टी का झंडा उतारा। जब मैंने पार्टी का झंडा उतारना चाहा मानो ऐसे लगा कि बहुत बड़ा भूंचाल आया। क्या महसूस हुआ उस समय? भावुक दिखे उस समय भी, काफी हमें भी वो तस्वीरें देखे, हम भी काफी भावुक हुए थे उस समय। चलिए आपका समय भी काफी। माँ से बच्चे का बिछड़ना इतना आसान नहीं, बिल्कुल। और जिस आदमी ने समर्पित भाव से पार्टी का काम किया, समर्पित भाव से पूर्ण कालिक के तौर पर पूरी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देश के अंदर मैंने काम किया है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ जी, प्रदेश के अंदर काम किया है, विभिन्न दायित्व पे काम करते हुए इस प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे दायित्व रहते हैं पार्टी के अंदर, बूथ से लेकर राष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष तक, मैं सभी पदों पर काम किया है। मैं फील अब जानता हूँ कौन आदमी कहाँ क्या सोचता है, लेकिन वाकई में दिल रोया इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ ऐसा पार्टी कभी किसी के साथ ना, जो कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करते हैं उन्होंने भी अपने आप को देखा कहीं ना कहीं ये राजनीतिक हमारी हत्या की थी। उस हत्या के लिए मैं समझता हूँ मुझे अगर आज पुनर्जन्म देने का काम किया तो इस हमारी उधमपुर पूर्वी विधानसभा की जनता जनार्दन ने किया, मैं पूरी जिंदगी उनका कर्जदार रहा हूँ। आखिरी सवाल है, जब भी आपके लोगों से बात होती है, आपके समर्थकों से बात होती है, तो लोगों का कहना है कि पवन खजूरिया जब सुबह घर से निकलते हैं तो मात्र 2-3 वाहन लेके निकलते हैं, लेकिन दोपहर होते होते लगभग 40-50 वाहन जुट जाते हैं। देखिए कैसे धन्यवाद करेंगे जनता का? देखिए मैं कहूँगा अभी भी शायद जानकारी ठीक नहीं, हम एक वाहन निकलेंगे, एक वाहन वो भी मेरी बलैरो, सारी दुनिया जानती है जी, पुरानी बलैरो, एक बलैरो लेकर निकलते हैं। जब हम 10 मिनट के बाद पीछे देखते हैं 10 गाड़ियां, थोड़ा पीछे देखते हैं लगभग 20-25 गाड़ियां, जब उसके बाद पीछे देखते हैं सैकड़ों गाड़ियां, पीछे नजर ही नहीं जाती। मैं उन सभी उधमपुर पूर्वी विधानसभा के सभी उन युवाओं का, उन बुजुर्गों का, हमारे PC डोगरा जी है, लगभग उनकी 84 एज है, अच्छा, बडाली के जब हमारी 4 पंचायतें वहाँ बनी उनके एक पंचायत के वो सरपंच हुआ करते थे, वो 84 साल की उम्र में गाड़ी लेकर अकेले कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं। मैंने वास्तव में, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने ऐसा दृश्य कभी जिंदगी में नहीं देखा। जीवन भर संघर्ष किया है, जीवन भर 35 वर्ष बहुत होते हैं, 50 साल मेरी आजू है, 35 वर्ष मैंने पार्टी की सेवा की है। लेकिन जिस प्रकार से ऐसे PC डोगरा जी जैसे अनेकों ऐसे लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, पूरे मन के साथ पूरे खुल के प्रचार में जुटे हुए हैं। मुझे लगता है मैं जिस प्रकार से मैंने पहले कहा, उन्होंने जिस प्रकार से इस अपने इस एज के अंदर, इस उम्र के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने पूरी स्फूर्ति से काम किया है, लेकिन इसका मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः उनका शब्दों से धन्यवाद नहीं कर सकता, लेकिन उनके चरणों में सर झुकाकर उनको ये बताना चाहता हूँ मैं पूरी जिंदगी उनका ऋणी रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ उधमपुर ईस्ट से जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं पवन खजूरिया जी, काफ़ी अच्छी बातें की है और हमें भी मौका मिला इनसे बातचीत करने का। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जब इन्होंने भाजपा का झंडा उतारा, काफ़ी आपने देखी वो वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी भावुक दिखे, और साथ साथ इन्होंने कहा है कि राजनीति की हत्या उस दिन की गई मेरे साथ, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे कि उधमपुर ईस्ट की किस तरह से डेवलपमेंट होगी। इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाज़त, आप सभी अपना ध्यान रखें, नमस्कार, जय हिंद।